थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैबेज को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ी सी कैरेट मैंने ये कद्दूकस कर रखा है, ये अदरक है, और थोड़ा सा मैंने लहसुन यहाँ पे चॉप कर रखा है। तो अब हमने क्या किया है कि इसको पानी से अच्छे से निचोड़ लिया है, और अब मैं इसमें बीन्स डाल दूंगी, बीन्स भी मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक जो है मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा आएगा इसका। और ये जो पानी हमसे निकला है निचोड़ के, ये मैंने अलग रख लिया है। तो अब हम इसको मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक हरी मिर्च, जो ली है वो काट के डाल दी है मैंने। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रहे हैं हम, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और इसमें के करीब मैं दो बड़े चम्मच में इसमें मैदा और 2 बड़े चम्मच में इसमें कॉर्न का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपने कितनी स्टफिंग ले रखी होगी, उस हिसाब से आप इसको एक अच्छा सा गुड मिक्स देने के लिए उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे और कॉर्नफ्लेक्स का जो क्वांटिटी रहेगी इक्वल रहेगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पेपर डाल दे रही हूँ, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, ऑयल गरम हो चुका है हमारा। तो अब हम ये जो अपने बॉल्स हैं इसको हम एक अच्छे से एक गोल जो है साइज़ में बना के, हमें ना इसे ज़्यादा बड़ा बनाना है और ना ज़्यादा छोटा करना है। और मेक श्योर कि अपना ऑयल जो है वो अच्छे से गरम होना चाहिए। ये इसी तरीके से हम ऑयल जो है इसमें डाल देंगे। तो इसी ये मैं अपनी दूसरी बॉल भी इसी तरीके से ऐसे डाल रही हूँ। इसी तरीके से आपको सारी बॉल्स बना के इसमें डाल देना है, और अपनी जो गैस का फ्लेम है वो फुल ही रखना है। देखिए मैंने सारी बॉल्स इसमें डाल दी हैं, और इनको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको हर 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसमें हिलाना है, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी लगे। क्योंकि अगर ये बॉल्स में क्रिस्पीपन नहीं रहेगा तो मंचूरियन अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले इसको फ्राई कर रही हूँ, और मेरा जो गैस का फ्लेम है वो फुल है, और मैं इसको निकाल ले रही हूँ अब। ये हमने मंचूरियन निकाल लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन ले लिया है। इसमें मैं ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करूँगी, 2 से 3 चम्मच के करीब ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और हमें अपनी गैस के फ्लेम को रखना है फुल। मैंने यहाँ पे लिया है ये चौकोर पीसेस, मैंने प्याज के काट लिए हैं, थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन लिया है, थोड़ा सा चिली लिया है मैंने यहाँ पे हरी वाली, और थोड़ा सा ये मैंने अदरक लिया है, और ये लहसुन है। अब तेल अच्छे से गरम हो चुका है, ये आपको श्योर होना है कि तेल अच्छे से गरम और आपकी फ्लेम जो है फुल रहनी चाहिए। मैं इसमें सबसे पहले अदरक डालूंगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसी साथ में यहाँ पे लहसुन भी डाल दे रही हूँ, हरी मिर्च भी मैं इसी साथ में डाल दे रही हूँ। एक मिनट हमको इसको अच्छे से सॉटे करना है। 1 मिनट हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसमें मैंने लंबा लंबा प्याज काट रखा है वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए प्याज भी हल्का, ये हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली। मेरे पास रेड चिली पेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं लाल वाली मिर्ची वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। अब मैंने ये डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कैचअप, 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसमें कैचअप इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, मैं इसमें करीब 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। अब हमें इसको अच्छे से एक अच्छे सा गुड मिक्स देना है, और मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी सोया सॉस इसको कलर के लिए। ये करीब मैंने 4 से 5 चम्मच जो है इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ये ग्रेवी वाला बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी। अब इस पानी इसको हमें बॉईल आने देना है अच्छे से।
ये देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है तो इसको हमें एक शाइनी सी को ग्रेवी करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में चार से पाँच टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। ये आपको उतना ही डालना है जितना आप इसको कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अभी देखिए मुझे ये पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें यहाँ पे अपने जो मैंने यहाँ पे ये चौकोर प्याज काट रखे हैं वो भी डाल दूंगी। और ये मंचूरियन जो मैंने अभी बनाए थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं लेकिन हमारे घर में कोई खाता नहीं है कैप्सिकम, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको एक अच्छा लुक देने के लिए इस पर थोड़ा सा ये जो ग्रीन ऑनियन है ये चॉप कर रखा है वो भी मैं इस पर डाल देती हूँ। तो हमारा जो वेज मंचूरियन है कैबेज मंचूरियन ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसको आप गर्म गर्म चाउमीन या फ्राइड राइस के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा ये।